नगरपालिका कर्मचारियों की प्रलंबित मांगों को लेकर राष्ट्रीय नागपुर कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से आंदोलन किया गया। इस दौरान उनका कहना था कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उनकी ओर से तीव्र आंदोलन किया जाएगा। बीते कुछ दिनों से नागपुर कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से नगरपालिका कर्मचारियों की प्रलंबित मांगों को लेकर निवेदन सौंपे गए थे। हालांकि उनकी मांगों को लेकर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके विरोध में एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रलंबित वेतन, सातवां वेतन आयोग के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और शिक्षकों का प्रलंबित वेतन देने की मांग समेत अन्य मांग की गई। इस संदर्भ में इंटक के अध्यक्ष सुरेंद्र टिंगने ने अधिक जानकारी साझा की। राष्ट्रीय नागपुर कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन इंटक की तरफ से आज कर्मचारियों के जो प्रलंबित मांगनी है, बहुत दिनों से हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं प्रशासन को कि आने वाले दिवाली के पहले सातवें वेतन आयोग का 16 महीने का एरियर्स, रिटायर्ड लोगों का 21 महीने का एरियर्स, छठवें वेतन आयोग का एरियर्स और बाकी भी मांगे हैं, उसके बारे में हम उनसे पत्र व्यवहार और बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हल निकला नहीं, इसलिए आज हम धरना आंदोलन करके प्रशासन का ध्यान हमारे मांगों की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम अगले हफ्ते या उसके बाद तीव्र आंदोलन करेंगे और उसकी रूपरेखा आप मीडिया को और न्यूज़पेपर वालों को दी जाएगी। इस दौरान उनका कहना था कि अगर उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो उनकी ओर से तीव्र आंदोलन किया जाएगा। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि इन कर्मचारियों की मांगे कब पूरी होती हैं। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।